ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली को रिवाइज कर रहे हैं। आज हमारी अव्यक्त मुरली है 347। आज की मुरली का विषय है संपन्न स्वरूप की निशानी, शुभ चिंतन और शुभ चिंतन। हमें संपन्न बनना है, जो आप वरदान देख रहे थे, संपन्न बनना है। तो संपन्न बनने के लिए हमें दो बातें याद रखनी है। एक तो हमने हर वक्त शुभ चिंतन करना है। हमने कोई ऐसा संकल्प नहीं करना जिससे मेरा या किसी का नुकसान हो या दुख पहुंचे। और शुभ चिंतक भी वही है कि हम सबका कल्याण करने का ही संकल्प करें। ये बाबा ने 11 मई 1977 को मुरली चलाई थी। बाप समान संपूर्ण स्वरूप बच्चों को दे, बाबा बोले। बाप समान संपूर्ण स्वरूप बच्चों को देख, बाबा बोले। बाबा के सामने वो बच्चे बैठे हैं जो संपूर्ण स्वरूप हैं, जिनमें अब कोई कमी नहीं है, मतलब अपने बाबा देख रहे हैं उनको। बाप दादा सदैव बच्चों को संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं। अब बाबा का संपूर्ण स्वरूप देखना समझना है। बाबा हमारे वर्तमान रूप को नहीं देखते, बाबा हमारे वर्तमान रूप को नहीं देखते, बाबा हम आत्माओं के उस रूप को देखते हैं जिस रूप में हम परम धाम जाएंगे। वो है हमारा संपूर्ण स्वरूप। चाहे कोई 100% वाली आत्मा है, चाहे कोई 80% वाली आत्मा है, कोई 40 वाली है, 50 वाली है, जितने वाली भी है, वो आत्मा उसके सामने उसको दिखाई देती है कि ये सतयुग में जब आती है तो इस स्टेज वाली होती है। संपूर्ण स्वरूप को देखते हैं। हर एक बच्चा बाप समान आनंद प्रेम स्वरूप सुख शांति स्वरूप है। हर एक के मस्तक से नयनों से क्या नजर आते हैं, जो बाप के गुण हैं वही गुण बाप से नजर आते हैं। हर एक गुणों और शक्ति का भंडार है। अपने को भी सदैव ऐसे संपन्न समझकर चलते हो। बाबा हमें उस स्वरूप में देखते हैं तो बाबा हमें संपन्न बनना हुआ कह रहे हैं कि जब चलते हो तो अपने आप को ये समझते हो कि मैं संपन्न हूं। संपन्न स्वरूप की निशानी सर्व आत्माओं को दो बातों से दिखाई देगी कि ये आत्मा संपन्न है। ये देखने वाले कैसे पहचानेंगे, वे दो बातें कौन सी हैं? ऐसी संपन्न आत्मा सदैव स्वयं प्रति शुभ चिंतन, अपने प्रति जो है ना कोई भी ऐसा नहीं सोचेगी जिससे उसका खुद का कोई नुकसान हो। शुभ चिंतन में रहेगी अन्य आत्माओं के प्रति शुभ चिंतन, अपने प्रति शुभ चिंतन और दूसरों के प्रति शुभ चिंतन। शुभ तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, ये दोनों ही निशानियां संपन्न आत्माओं में दिखाई देंगी। संपन्न आत्मा के पास अशुभ चिंतन या व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वो पहले से ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि शुभ चिंतन का खजाना सत्य ज्ञान ऐसा ऐसी आत्मा के पास बहुत होता है। जैसे रॉयल फैमिली राज्य परिवार के बच्चे अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन के पत्थरों व मिट्टी से नहीं खेलते। जो कौन होते हैं राज के परिवार के, रॉयल फैमिली फैमिली के, की वो मिट्टी से नहीं खेलते वो हैं। वहां के बच्चे अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन के पत्थरों व मिट्टी से नहीं खेलते। मतलब जो अशुभ चिंतन है वो है पत्थर, क्योंकि आप यदि कोई किसी के बारे में गलत सोच रहे हो तो आप पत्थर मार रहे हो ना उसको, और व्यर्थ मिट्टी हो गई। व्यर्थ क्या हो गया, मिट्टी। मतलब व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलते उनके, व्यर्थ चिंतन भी नहीं होता और अशुभ चिंतन भी नहीं होता। शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है, बाबा ने इतना ज्ञान दिया है। ये अशुभ चिंतन का खजाना
कितना अथा मिला हुआ है उसको जानते हो ना, अखुट खजाना है ना। कैसा खजाना है? अखुट खजाना है ना, शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों नहीं रहे रह सकते, जैसे रात और दिन नहीं होते, अमृत वेले उठते और आंख खोलते ही क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना। अमृत वेले उठते ही क्या करना है, क्या होता है उनको, कि क्या शुभ संकल्प करें, क्या शुभ चिंतन करें। ये भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे। बाप से प्यार है ना, तो बाबा की श्री मत पर कैसे संकल्प करेंगे, सवेरे उठ करके शुभ संकल्प करेंगे। वैसे ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेला आदि काल है, सतो प्रधान समय है, बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदि काल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली चले। सवेरे सवेरे उठकर अमृत वेले जैसे आपने संकल्प रच लिए, सवेरे उठकर आपने जैसे संकल्प रच लिए उसी के अनुसार आपके संकल्प चलेंगे। सारा दिन उसी अनुसार ही संकल्प चलते रहेंगे ऑटोमेटिकली, स्वतः ही, अपने आप ही, क्योंकि अमृत वेला ही है हमारा सारा। क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर जो गीत गा लेते हैं वही गीत फिर सबको सुनाई देता है, सारा दिन वही गीत सुनते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको ना सुनाई दे, तो जैसा सोचेंगे वैसा चलेगा सारा दिन। ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है, उस समय कौन सी स्टेज होती है, बाप समान स्थिति में स्थित हो, बाप समान स्थिति में स्थित हो, मिलते हो ना, आंखें खोलते कौन सा संकल्प आता है। जैसे ही आंखें खोलते हो, सवेरे सवेरे उठते हो, तो कौन सा संकल्प आता है, बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आता, और कोई दिखाई देता है। जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना, कैसे करते हो, बच्चा समझ कर बाप को गुड मॉर्निंग करते हो। तो बच्चा अर्थात मालिक, बच्चा जो होता है वो सारी जायदाद का क्या होता है, मालिक होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चा सारी जायदाद का मालिक ना हो, बच्चा बनते ही सारी जायदाद का क्या हो जाता है, मालिक हो जाता है। बच्चा बनते ही सारी जायदाद का मालिक बन जाता है, बच्चा बनते ही, जैसे बच्चा बना, बच्चा पैदा हुआ, कहते हैं कौन पैदा हो गया, वारिस पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया माना वारिस पैदा हो गया। और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या जवाब देते हैं, बालक सो मालिक। बच्चे हैं तो हम बाप की सारी जायदाद के क्या हैं, मालिक। तो पहला ही संकल्प कैसा हुआ, समर्थ संकल्प।
पहला ही संकल्प कैसा है, समर्थ संकल्प हुआ ना। पहली मुलाकात बाप से होती है और पहले मिलन में बाप हर रोज क्या वरदान देते हैं, समान भाव। क्या कहते हैं, समान भाव। किसके समान भाव, बाप समान भाव, बाप समान भाव। हमें बाप समान बनना है, बाप समान भाव का वरदान मिलता है। जिसमें सब वरदान समाये हुए, एक बाप समान वरदान देने का मतलब, बाप समान वरदान लेने का मतलब क्या बनना, सारे वरदानों से भरपूर हो जाना, सारे वरदान एकदम मिल जाते हैं, कोई वरदान खाली रह नहीं जाता कि जो बाबा का वरदान उनके पास ना, सब वरदान बच्चों को मिल जाते हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो तो उनका सारा दिन कैसा होगा, व्यर्थ हो सकता है, नहीं हो सकता, व्यर्थ नहीं हो सकता। जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है, ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है, नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं लेकिन सामने की मुलाकात। यहां कौन सी मुलाकात है, समीप की नहीं, सामने की है। हम तो बाबा के सामने हैं, बाप के हमारी सामने की मुलाकात है। सब बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, सभी बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन एक नंबर वन बच्चे समान स्वरूप से समीप, बाप समान बनकर, बाप समान बनकर क्या होते हैं, समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि दो नहीं लेकिन एक है, दो नहीं जैसे एक है, इतना समान और इतना समीप के दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। सेकंड नंबर, बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर मिलते। एक तो बाप समान बन गए, जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा समान बन गए और वो बाप समान बनकर मिले हैं, और दूसरे होते हैं उनके अंदर संकल्प है कि हमने बाप समान बनना है, अथवा बाप से सर्व प्राप्ति हो रही है, हो नहीं गई, नंबर एक वाले तो हो चुकी, पाना था सो पा लिया, और सेकंड नंबर वाले पा रहे हैं, ऐसी अनुभूति करते हैं। तो फर्स्ट नंबर समान बनकर, फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते और सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से कि हमने बाप समान बनना है। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं, तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले भिखारी बन जाएंगे, अभी अभी बच्चा और अभी अभी क्या बन जाएंगे, मांगने वाले भिखारी बन जाएंगे। बहुरूपी होते हैं, कब किस रूप में मिलेंगे और कब किस रूप में, तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबर वार हो जाते हैं। लेकिन जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है, जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है अर्थात बाप के समान स्वरूप का मिलन है, उन्हों का अमृत वेले का पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। ऐसी आत्माएं निरंतर शुभ चिंतन में स्वतः ही रहती हैं, सेकंड नंबर स्वतः नहीं रहते, सेकंड नंबर स्वतः नहीं रहते लेकिन बार बार अटेंशन रखने से शुभ चिंतन में रहते। बार बार क्या रखते हैं, अटेंशन रखते हैं,
ध्यान देते हैं कि हमने गलतियां नहीं करनी है, तो जिनसे उनकी बुद्धि में भी क्या चलता रहता है, शुभ चिंतन में रहते हैं। तीसरा नंबर, शुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन दोनों युद्ध में रहते, कब विजयी और कब दिल शिकस्त हो जाते, कभी जीत पा लेते हैं और कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। सदा शुभ चिंतन में रहो, उसका साधन सुनाया आदि काल का समर्थ संकल्प। सवेरे सवेरे उठते हो ना, आपने सवेरे सवेरे उठकर समर्थ संकल्प किया, शुभ चिंतन किया, शुभ चिंतन में रहने वाले बने, तो सारे दिन में आप जिनके भी संबंध संपर्क में आएंगे उन आत्माओं के प्रति आप शुभ चिंतक, आप किसी का बुरा नहीं, क्योंकि आपने सोचा सबका भला है, तो आप सारा दिन सबका भला ही करें। कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सत्वगुणी चाहे तमोगुणी, संपर्क में आवे, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक, सभी के प्रति क्या होगा, शुभ चिंतक, अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करना, अपकारी के ऊपर भी क्या करना है, उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं, किसी भी आत्मा के प्रति क्या नहीं होगी, घृणा नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं कि अज्ञान के वशीभूत है, अर्थात बेसमझ, अर्थात क्या है, बेसमझ, बेसमझ बच्चा है, बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती, और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। ऐसी शुभ चिंतक सदैव अपने को विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहम दिल होने के कारण घृणा भाव नहीं, लेकिन सदा शुभ भाव और भावना रखेंगे। ऐसी इस कारण सदा शुभ चिंतक होंगे। इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये नहीं सोचेंगे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो वे सोचेंगे। ऐसी शुभ चिंतक स्टेज सदा होती है, अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं, दोनों का संबंध है। ऐसे संपन्न बनने के लिए के लक्ष्य रखने वाले इन दोनों लक्षणों को धारण करो। समझा, अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो शुभ चिंतन की स्टेज ठहर नहीं सकेगी, शुभ चिंतक की चिंतन की स्टेज ठहर नहीं सकेगी। इसलिए अपने चैतन्य शक्ति को देखो, शुभ चिंतक बनने का अभ्यासी, शुभ चिंतक बनने का अभ्यासी बनो, इसका अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। आपकी ही शक्तियां है ना, आपके ही गुण है ना, जो सेवा करते हैं ऐसे सेवाधारियों के प्रति बाप का सदा विशेष स्नेह संपन्न स्नेह संपन्न क्या करना है, देना है, विशेष सबको स्नेह से संपन्न करना है, स्नेह पूरा देना है उनको, क्योंकि त्याग मूर्त है, तो त्याग का भाग्य स्वतः ही मिल जाता है। आप त्याग करेंगे तो उसके बदले में भाग्य आपको स्वतः ही मिल जाता है। क्या और कैसे मिलता है उसको जानते हो, जैसे एक होता है मेहनत से कमाना, दूसरा होता है अचानक कोई लॉटरी मिल जाने जाए
तो अपने पुरुषार्थ की शक्तियों व सर्व गुणों की अनुभूति करना ये तो सभी करते हैं ना, लेकिन विशेष संयोग का प्रत्यक्ष फल, जो आपने विशेष संयोग दिया उसका प्रत्यक्ष फल ऐसी अनुभूति होगी जैसे मेरे पुरुषार्थ की स्टेज से प्राप्ति अधिक है। मेरे पुरुषार्थ की स्टेज से मेरी प्राप्तियां जो है क्या है अधिक। जिस अनुभूतियों के पुरुषार्थ का लक्ष्य बहुत समय में रखते आए वे अनुभूतियां ऐसे सहज और पावरफुल स्टेज की होगी जो ना चाहते हुए मन से यही निकलेगा कि कमाल है। जिसकी बाबा बोले मैंने जो सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऐसे हो सकता है और कर दिखाई। वे साकार में अनुभव कर रहे हो तो ऐसे बाप के विशेष वरदान की प्राप्ति का अनुभव सहयोगी आत्माओं को होता है। ऐसे अनुभव जीवन का एक विशेष यादगार रूप बन जाता है। क्या बन जाएगा हमारा? यादगार रूप बन जाता है। अच्छा, ऐसे बाप दादा के सदा सहयोगी आत्माएं हर कदम से फॉलो फादर करने वाली, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा स्वयं की गुणों की प्राप्ति की लहरों में लहराते हर्षित रहने वाले बाप के स्नेह में समाये हुए ऐसी समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। आप पार्टियों से मुलाकात, इन सब कर्म इंद्रियों से न्यारे, इन सब कर्म इंद्रियों से क्या बनो? न्यारे, अर्थात अपने को आत्मा मालिक समझकर, मैं इस शरीर की मालकिन हूं, बाप के प्यारे बनकर चलते हो। बाप के प्यारे कौन है? कौन? वचन सारे हैं। बाप के प्यारे कौन? प्यारे के साथ बाबा शब्द एक प्रयोग करते हैं ना, न्यारे, जो न्यारे नहीं बन सकते वो प्यारे नहीं। बाप के प्यारे वही बनेंगे ना जो सारी दुनिया से न्यारे होंगे। दुनिया में किसी से उनको प्यार है तो, हाँ, मतलब दूसरा कोई बीच में आता है तो प्यारे नहीं। बाप के पूरे प्यारे नहीं है। जब प्यार किया फिर थोड़ी देर दूसरे दुनिया वालों से प्यार किया, फिर चलो अब थोड़ी देर बाबा को प्यार कर ले। जो न्यारे हैं, प्यारे कौन है? जो न्यारे हैं। बाप भी सर्व का प्यारा क्यों है? क्योंकि मैं न्यारा हूं, मैं किसी को मेरा नहीं कहता हूं। अगर न्यारा नहीं होता, आप जैसे जन्म मरण में आते तो सर्व का प्यारा नहीं हो सकता। तो आप भी सब बाप के प्यारे तब बनेंगे जब सदा अपने को शरीर के भान से न्यारे समझकर चलेंगे।
बिना न्यारे बनने के प्यारे नहीं बन सकते। जितना जो न्यारे अर्थात आत्मिक स्मृति में रहते उतना ही बाप का प्यारे होते। इसलिए नंबर वार याद प्यार देते हैं, है ना। नंबर वार का आधार है न्यारे बनने पर। अपने नंबर को न्यारे पन की स्थिति से जान सकते हो। बाप बच्चों को माला सिमरते, बाप बच्चों की माला सिमरते हैं। माला सिमरने से नंबर वन कौन आएंगे? जो न्यारे अथवा बाप समान होंगे। ऐसे नहीं, हम तो पीछे आए हैं, हमको कौन जानते नहीं, कोई जानते नहीं। बाप तो सब बच्चों को जानते, बाप तो सब बच्चों को जानते हैं। इसलिए प्यारा बनने का आधार न्यारा बनना है। प्यारा बनने का आधार न्यारा बनना है। ये पक्का करो। इस पहले पाठ के पेपर में फुल मार्क्स मिलने हैं पहले पेपर में। इसलिए चेक करो, चल रहा हूं, बोल रहा हूं, जो भी कर रहा हूं वो करते हुए याद है कि कराने वाला करा रहा हूं। बाबा याद है, आत्मा कराने वाली है और कर्म इंद्रियां करने वाली हैं। इस बात को पक्का करने से सदा सर्व खजानों के मालिकपन का नशा है, मालिकपन का नशा रहेगा। कोई अप्राप्त वस्तु अनुभव नहीं होगी, कोई भी अप्राप्त वस्तु अब नहीं होगी। जैसे कि जो पाना था वो सब मिल गया। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो ना मिले, जिसको पाना मुश्किल हो। बाप मिला सब कुछ मिल गया, बाप मिला तो सब कुछ मिल गया। सिर्फ कहना मात्र नहीं, उससे सर्व प्राप्ति का अनुभव होगा। कैसे? वो सदा खुशी शांति आनंद में मगन रहे। मिल गया, पा लिया, यही नशा रहेगा। सदा अपने स्वभाव के सीट आसन पर सेट रहते हो। स्वमान की सीट कौन सी? ऊंचे ते ऊंचा बाप के ऊंचे बच्चे व ब्राह्मण हैं। इस श्रेष्ठ स्वमान पर सदा सटे रहते हो। या सीट हिलती है, माया सीट को हिलाने की कोशिश कर। माया क्या करते है? सीट को हिलाने की कोशिश करती है। जब है ही ऊंचे ते ऊंच बाप के बच्चे, तो फिर ये भूलना क्यों चाहिए? ये ब्राह्मण जन्म भी नेचुरल लाइफ, स्वाभाविक जीवन है। नेचुरल लाइफ की बात भूलती नहीं, टेम्परेरी अल्पकाल की बात भूलती है। शुभ चिंतन का खजाना, आपने जो शुभ चिंतन का खजाना अपना इकट्ठा किया है, जो बाप से प्राप्त किया है, उस खजाने को बार बार स्मरण करो। बार बार स्मरण करना,
अर्थात यूज करना, यूज करने से खुशी होती है, खुशी होगी। शुभ चिंतन में रहना भी मनन है, शुभ चिंतन में रहना भी क्या है, मनन, मंथन है, मनन चिंतन है। मनन से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा वे जीवन को शक्तिशाली बना दे, फिर कोई हिला नहीं सकता, फिर कोई हिला नहीं सकता। माया हिलेगी, माया हिलेगी, खुद नहीं हिलेगा। अंगद का मिसाल किनों का है, महारथियों का है। तो आप महारथी हो ना, जब कल्प पहले नहीं हिले थे तो अभी कैसे हिलेंगे। सदा अचल अंगद समान, सदा एक रस स्थिति में स्थित, जरा भी संकल्प में भी हिलता नहीं। ये है अंगद, जो हिलता नहीं वो है अंगद। सदा शस्त्रधारी बन माया का सामना करते चल रहे हो। जो शस्त्रधारी होते हैं वो सदा निर्भय, वो सदा कैसे होते हैं, निर्भय होते हैं। किससे, दुश्मन से, किसी किससे, दुश्मन से। जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसके उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वो कितना निर्भय होकर के चलता। और उसे डर हो कि मेरा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उससे उसको डर लगे, वो कितना निर्भय होकर चलता रहता है। तो यहां भी माया कितना भी सामना करे लेकिन शस्त्रधारी हैं हम, कौन है, शस्त्रधारी हैं, माया से कभी भी हार नहीं खाएंगे। अर्थात सदा विजयी होंगे। तो सर्व शस्त्र सदा कायम रहते हैं, एक भी काम हुआ तो हार हो सकती है। शस्त्र हैं शक्तियां, तो सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र सदा कायम रहते हैं, संभालने आते हैं पांडवों की बहादुरी को बहुत लंबे चौड़े रूप में दिखा दिया है, लंबे चौड़े रूप में दिखा दिया है। शक्तियों की बहादुरी शस्त्र दिखाए, शक्तियों की बहादुरी क्या है, शस्त्र दिखाए हैं। पांडव सदा प्रभु के साथी थे और साथ के कारण ही विजयी हुए। भगवान के क्या थे, साथी थे। आपको भी सदा बाप के साथ का अनुभव होता है, बाप के साथ का अनुभव होता है। जब साथ का अनुभव होगा तो जो बाप के गुण, जो बाप की शक्तियां, वे आपकी हैं। जैसे बाप रूहानी है वैसे साथ में रहने वाले भी रूहानियत में रहेंगे। शरीर को देखते भी रूह को देखेंगे। अमृत वेले का अनुभव सभी करते हो। अगर किसी को घर बैठे लॉटरी मिले और फिर भी उसको वो छोड़ दे तो क्या कहेंगे, मिली हुई लॉटरी हाथ में, अपनी लॉटरी को छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे। वे भी घर बैठे लॉटरी मिलती है, अगर अभी इस लॉटरी को ना लेंगे तो ये दिन भी याद करें। तो ये दिन याद करेंगे ना, ये दिन भी याद करेंगे।
अभी ये प्राप्ति के दिन है, थोड़े समय बाद यही दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। तो जितना चाहो उतना लो, स्पीड तेज करो, सदैव याद रखो, अब नहीं तो कभी नहीं, आज भी नहीं लेकिन अभी। उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ, आज नहीं, मतलब जो है ना, जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। जैसी परिस्थितियां हो उसके अनुसार अपने को चेंज कर दो। घर चलने की तैयारी की है, तैयार होना अर्थात रस्सियां टूटी हुई तो आप सब टूटी हुई हैं। अगर रस्सियां टूटी हुई हैं तो घर जाएंगी नहीं, तो जन्म लेना पड़ेगा। सर्विस में समाप्ति की है, ज्यादा उलहने वाले रहे हैं या संदेश वाले, जब तक विश्व को संदेश नहीं दिया तो विश्व कल्याणकारी नाम कैसे पड़ेगा? फिर तो इंडिया के कल्याणकारी हुए। इतने आभासी हुए हो कि कुछ भी सहज ही शरीर से निकल जाए, कुछ भी हो हम क्या करेंगे शरीर से? तो एक कमांड की बात है, एक ऑर्डर करें और शरीर से न्यारे। यह प्रैक्टिस है, कोई भी संबंध व संस्कार कस मकसा ना करें। कोई भी संबंध व संस्कार कस मकसा, ज्यादा जाना तो सबको है लेकिन एक जाएंगे सहज और एक जाएंगे युद्ध कर। तो जाने के लिए तैयार हो, दूसरे बाबू जाने के लिए तैयार हो? जाना तो है, ये तो ठीक है, लेकिन सहज जाएंगे ये तैयारी है, डायरेक्ट जाएंगे या वाया जाएंगे? धर्मराजपुरी कस्टमपुरी है, धर्मराजपुरी कौन सी है? कस्टमपुरी, वहां कस्टम का टैक्स लगेगा। कुछ समय में कुछ साथ में रह गया है तो कस्टम में रुकना, आप कुछ इस दुनिया का अपने साथ ले जा रहे हो तो फिर कस्टम में आपको रुकना पड़ेगा। तो जाने के साथ ये भी तैयारी चाहिए, देखना है कस्टम क्लियर है, पासपोर्ट आदि सब चेक करना, बैग बैग में सामान ज्यादा नहीं ले जाएंगे, सब चेक करना, जितना जरूरत अभी जो है वही ले जाएंगे। अच्छा, ओम सामान ज्यादा होता तभी रोकते हैं ना कस्टम वाले। सामान ज्यादा होगा, विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9313106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति। क्या दिया बाबा?